हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एकता और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नान की रेसिपी। और आई नो मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड नहीं करती हूं, बट मैं इस क्वारंटाइन टाइम में अपने घर पे बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। एंड आई होप आपको पसंद आएगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आई होप आप इस वीडियो को इन्जॉय करोगे और इसे बना के तैयार करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस नान के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें मैंने यूज़ किया है धनिया पत्ता और थोड़ी सी चीनी, अजवाइन, दही और थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद मैंने इसमें यूज़ किया नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो अब मैदे को मैंने 5 मेंबर के लिए यहाँ पे डाला है। आपके घर में जितनी मेंबर है उसके अनुसार आप बना सकते हो। सो इसमें मैं मिक्स करूँगी सबसे पहले दही, के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी, अब मैं इसमें मिक्स करूंगी बेकिंग सोडा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। उसके बाद मैं इसमें मिक्स करूंगी ऑयल। आप थोड़ा सा बचा लो क्योंकि ये बाद में थोड़ा यूज होता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है धनिया पत्ता और ये सारी चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है। एंड आपने हाथों को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लें क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आप अपने हाथों को वॉश करके ही किसी भी चीज़ में यूज करें। देन इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें कड़ा सा दूध तैयार करेंगे। इसके लिए आपको यूज़ करना है गर्म पानी। थोड़े थोड़े पानी डाल के आप इसको मिक्स करें ताकि गीला ना हो। मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ एंड मिक्स करने के बाद आपको एक कड़ा सा डो तैयार करना है। मेरा जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल के इसे थोड़ी देर के लिए और गूंथूंगी। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से गूंथ लिया है। अब मैं इसको 2 या 3 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दूंगी और इससे पहले आपको किसी भी गीले सूती कपड़े से इसको ढक देना है जिसमें इसमें एयर पास ना हो। एंड ढकने के बाद आप ऊपर से किसी भी बर्तन से इसको ढक के रखोगे। अब ढक देने के बाद 2 या 3 घंटे के लिए आपको इसी तरीके से छोड़ देना है जिससे ये फूल कर दोगुना हो जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आप देख सकते हो कि इसकी जो साइज है वो 2 गुनी हो चुकी है। एंड ये करने से ना इसका जो डो है उसके बाद जो नान आप बनाते हो वो काफ़ी अच्छा बनता है। ये आप जरूर ट्राई करो, इसको स्किप मत करना। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अब इसकी छोटी छोटी लोई की तरह आपको बना लेना है गोल राउंड में। एंड उसको अंदर की तरफ आप जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए बनाना है। इस तरीके से बनाने से आपका जो नान है काफी सॉफ्ट और काफी अच्छे से फूल के आता है। अब इसको हम तैयार करेंगे और आप चाहो तो किसी भी शेप में बना सकते हो। आप इसको सर्कुलर बना सकते हो या फिर आप इसको लंबा जो आता है उस तरीके से बना सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस शेप में आप इसको तैयार करो। मैं यहाँ पे सर्कुलर तैयार कर रही हूँ। एंड आप जब इसे बनाओगे तो हल्का मोटा ही आपको रखना है, आपको पतला नहीं, रोटी की तरह नहीं बनानी है। हल्का सा इसका जो मेटल है वो थोड़ा सा आपको मोटा रखना होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसको तैयार किया, इसका जो साइज आप देख सकते हो साइड से काफी मोटा है। एंड उसके बाद आप इसमें पानी लगाओगे क्योंकि पानी लगाने से इसको तवे पे चिपका के रखना है। मैंने पानी लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पे तवा गर्म किया है, इस पर मैं डाल दूंगी। इस तरीके का आप पैन अपने घर में रखते हो तो उसी पे यूज करो क्योंकि फ्राई पैन में ये चिपकेगा नहीं और फिर ये गिर जाता है नीचे और ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। कुछ टाइम के बाद जब इसमें इस तरीके के नीचे से फूलने लगेगा देन आप उस तवे को हल्का सा उल्टी साइड से पलट के उसको फ्लेम पे आपको सेकना है।
आप देख सकते हो मैं इसको फ्लेम पे इस तरीके से सेक रही हूँ और काफ़ी अच्छे से सिक जाता है एंड आपको तंदूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तवे पे भी बहुत ही अच्छे से नान बनता है। सो ये तैयार हो चुका है, इसका फ्लेम मैं कम कर दूंगी एंड ये जो नान है इसको मैं पीछे से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो पीछे से भी काफ़ी अच्छी तरीके से सिक चुका है एंड खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। सो आप ज़रूर ट्राई करना। तो अगर इस पे आप चाहो तो ऊपर से बटर भी लगा सकते हो और बटर लगा के आप इसको किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो, किसी को सर्व कर सकते हो। सो हमारा जो नान है वो बन के तैयार है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलती हूँ फिर से, बाय बाय।